सर प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, इस सबके बीच में कोविड की समस्या, कोविड एक एक तरह से पूरी दुनिया के लिए युद्ध जैसी स्थिति ही है, जो पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही है, ये एक युद्ध जैसी स्थिति ही है। तो कोविड को लेकर भी प्रधानमंत्री ने चलने से पहले यहां से ये बोला कि कोविड वैक्सीन को लेकर दुनिया मंजूरी दे, दुनिया कोविड की जो वैक्सीन डेवलप भारत ने की है या जो उसको लेकर ट्रैवल को लेकर जैसे दिक्कत आती है, तो ये थोड़े से नियम आसान हो, इसको लेकर भी स्ट्रैटेजी बनाई जाए। ये भी एक बड़ा प्रश्न दुनिया के सामने कि कोविड से कैसे जूझे इस युद्ध जैसी स्थिति से। ये जो कोरोना वायरस महामारी है वो थोड़ी सी अलग तरह से चुनौती है, आतंक की भी चुनौती है, क्लाइमेट चेंज की चुनौती है, पर ये जो सर्वव्यापी महामारी है उससे पूरी दुनिया का कोई भी कोना बचा नहीं है और रोज लोग उससे हताहत हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं और कुछ लोग हमें छोड़ के भी जा रहे हैं। तो एक तो ये पूरे मानवता के लिए चुनौती है, इसलिए मुझे लगता है कि उसकी अहमियत दूसरी चुनौतियों से थोड़ी सी अलग हो जाती है। और दूसरी वजह यह भी है कि ये महामारी के परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि भारत का जो योगदान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भारत की छवि को बहुत अच्छे से उभारता है। और उसी के चलते आप देखें कि ये क्वाड के जो चार देश हैं, आपने कहा है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, उनका पहली बार आमने सामने बैठकर शुक्रवार को एक शिखर सम्मेलन होने वाला है और 12 मार्च के अपने ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में उन्होंने पहले ही कुछ इस तरह का इनिशिएटिव शुरू किया था। एक वर्किंग ग्रुप बनाया था और उसमें कौन क्या करेगा ये तय हुआ था। उसमें कहा गया था कि जापान शायद वित्तीय सहायता देगा, अमेरिका जो उसके लिए खनिज पदार्थ वगैरह चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए उनको सहूलियत दिलाने की कोशिश करेगा, ऑस्ट्रेलिया सबके वितरण में काम करेगा और भारत में होगा उत्पादन सारा। और 1 अरब डोजेस बनाने की उस वक्त भारत ने जिम्मेदारी ली थी। और हाल ही में इसी सप्ताह आप देखें भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगले महीने से भारत फिर से वैक्सीन का निर्यात करना शुरू करेगा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर फिर से जी। पहले भी आप देखिए प्रोफेसर सिंह की वो मिल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, पहले जो बाइडन से पहले वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति से मिल रहे हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिनके जिम्मे है। और एक बार जून में जब इनकी बात हुई है प्रधानमंत्री की और कमला हैरिस की, तो वैक्सीन को लेकर कमला हैरिस ने कहा ही था कि वो भारत के साथ इस मसले पर बात करने के लिए, इसको तरजीह देने के लिए के दिशा में सोच रहे हैं। भारत के अलावा शायद दुनिया के पास दूसरे ऑप्शंस भी नहीं, ऐसा हालांकि कहना नहीं चाहिए। चीन दूसरा बड़ा उत्पादक है, पर ये सब पश्चिमी देशों का तालमेल चीन से बिल्कुल अलग है, भारत से उनका तालमेल अलग है और भारत से मिलकर उनको लगता है कि एक हिस्सेदारी बनाई जा सकती है। तो भारत को जब फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं आज, तो जाहिर है कि भारत में वैक्सीन को उत्पादन होने की पूरे विश्व को अपेक्षा है और यहां से पूरे विश्व को निर्यात होगा इसकी उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि जो वैक्सीन मैत्री हमने एक नीति बनाई थी वो फिर से उभर कर सामने आएगी और सारे देशों को भारत ये वैक्सीन से सप्लाई करेगा, उसके लिए हाँ सबसे जुड़कर हम सोचते हैं कि भारत काम करेगा। तो उसी के लिए ये अलग अलग नेताओं से जो बातचीत होने वाली है उसमें आतंक का मुद्दा होगा, जलवायु का मुद्दा होगा, बहुत से दूसरे मुद्दे होंगे, पर ये वैक्सीन को लेकर कैसे आपस में तालमेल अच्छा बनाया जाए और कैसे पूरी मानवता को बचाने में भारत योगदान कर सकता है उस पर बातचीत होगी। और उसी में ये तकनीक भी आ जाती है जो आपने हाई टेक्नोलॉजी की बात की। बिल्कुल, और सारे मुझे लगता है कि कमला हैरिस के साथ मुलाकात में ये मुद्दा जो है ये प्रमुखता से उठेगा ऐसा लगता है। यात्रा के शुरू होने से पहले कि हम अफगानिस्तान के मामले पर व्यापक चर्चा करेंगे, द्विपक्षीय बातचीत जो होगी प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की, और हमारा ये फोकस रहेगा कि वॉशिंगटन यानी अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से अपना फोकस पूरी तरह कतई ना हटाए, उस पर अपना फोकस बनाए रखे, ये बाकायदा विदेश सचिव ने कहा है जाने से पहले। ठीक है, जैसे शीतल राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी संयुक्त राष्ट्र की महासभा में जो उन्होंने भाषण दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी एंगेजमेंट जो है उसमें तरीके बदले हैं, उनकी एंगेजमेंट में कोई फर्क नहीं आने वाला है और वो अब डेवलपमेंट असिस्टेंस और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करेंगे। और वो पहले से ही करीब $61 अरब कह चुके हैं कि सैंक्शन किया है, क्योंकि वो आज फर्क करते हैं कि तालिबान में और अफगानिस्तान के अवाम में, जनता में फर्क करना चाहिए।
और जो जमीन पर उनकी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनने जा रही है उससे लोगों को बचाने की कोशिश हर राष्ट्र को करनी चाहिए। तो ये पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो आज दो चीजों को अलग से देखता है कि अफगानिस्तान में आम नागरिक जो है, जो जनता है, उसकी जो स्वस्थ है, शिक्षा, खाना पीना है, उसकी पूरी सहूलियत उसको बनी रहनी चाहिए। तालिबान के आने से वहां इस तरह का कोई प्रकोप नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ तालिबान को जो है, जिन्होंने आप देखें कि हिंसा के बल पर सत्ता को हथियाया है, और देखें आपके दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं हम अमेरिका को, और 20 साल के उनके लगातार कोशिश के बावजूद आज हिंसा के इस्तेमाल से हथियाई है इन्होंने सत्ता तालिबान ने, तो पूरी विश्व में उसको लेकर चिंता है। और भारत भी लगातार अमेरिका के साथ तालमेल करके ही वहां निवेश करता रहा है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं भारत ने वहां पूरी तरह से जमीन पे उतारी है, चाहे संसद की इमारत हो, पुल हो, सड़कें हो, डैम हो, वहां ट्रेनिंग दी है सब तरह के लोगों को, उनके विदेश मंत्रालय को, उनके सैनिकों को, पुलिस को। भारत ने बहुत निवेश किया है वहां, अपनी एक दोस्ती के नजरिए से उनको निवेश किया है, कोई व्यवसायिक रूप से, कोई प्रॉफिट मोटिव से नहीं हमने निवेश किया वहां। तो लगातार अभी भी जब ये पूछा गया, जब ये सवाल पूछा गया, जब अभी विदेश मंत्री का बयान मैं देख रही थी कि जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई G20 वाली आज ही, तो उसमें उन्होंने कहा कि तालिबान जो है उनको, जो उन्होंने दोहा समझौते में बातें कही हैं उनको उसे पूरा करना होगा, उससे पीछे नहीं वो हट सकते। आतंक जो है अपनी जमीन से उसे नहीं फलने फूलने देना होगा, दुनिया को भरोसा दिलाना होगा, लेकिन डिप्लोमेटिक मान्यता पर वो कुछ कहे, उन्होंने कुछ बोला नहीं अफगानिस्तान को या तालिबान को लेकर। तो यकीनी तौर पर भारत भी देख रहा है कि किस तरह का रवैया जो है वो तालिबान की सरकार दिखाती है, तभी दुनिया जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत भी सोचेगा कि इनका क्या किया जाए डिप्लोमेटिकली। शीतल, अभी जर्मन विदेश मंत्री ने भी कहा है कि तालिबान के नेतृत्व को संयुक्त राष्ट्र संघ में घुसने नहीं देना चाहिए। आपने जिक्र किया है कि वो अमेरिकी पुरानी राजदूत जो निकी हेली थी, उन्होंने भी ये बात कही है। हाल ही में ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ साथ एक सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली थी, पाकिस्तान ने कोशिश की कि उसमें अफगानिस्तान की तरफ से भी किसी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। सार्क सभी देशों ने उसका विरोध किया है और वो बैठक ही रद्द कर दी गई। उससे पहले तालिबान ने जब अपनी एक आंतरिक सरकार बनाई तो 6 देशों को उन्होंने कहा कि आप अपना प्रतिनिधित्व उस दिन भेजे हमारे यहाँ, एक देश भी वहां नहीं गया। तो अभी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आप छोड़ दें या कुछ हद तक चीन या रूस को भी मान लीजिए, बाकी पूरी दुनिया इस तरफ है कि तालिबान को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और उनको चाहे वो क्षेत्रीय संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, कहीं भी उनको प्रतिनिधित्व अभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल,